jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। शंभुलाल की मां सुशीला देवी को बेटे के जुर्म पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शंभु कभी ऐसा नहीं कर सकता है, जरूर उसे किसी ने उकसाया होगा। सुशीला ने बताया कि बचपन से आज तक उसने कभी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, तो वो बिना किसी के उकसाए हत्या कैसे कर सकता है। उसकी मां ने बताया कि बचपन में और स्कूल पढ़ने के दौरान उसके साथी मारपीट करते, तब भी कभी उसने जवाब नहीं दिया। सुशीला देवी ने कहा, अगर उसने हत्या की है तो कानून जो भी सजा देगा उसे मान्य होगा, लेकिन शंभु को इसके लिए उकसाने वाले पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, वो भी हत्या में भागीदार है। उसकी मां गुजरात के आनंद में थी। वह सोमवार को ही राजनगर के रेघर मोहल्ला में अपने घर पहुंची। उसने परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली तो मां सुशीला देवी को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके बेटे ने किसी का मर्डर कर दिया है और वे अभी जेल में है। शंभुलाल के माता पिता आनंद में रहते हैं। वहां शंभुलाल के पिता मार्बल के मंदिर बनाने का काम करते हैं। शंभुलाल भी वहां आया जाता करता था। परिवार के लोगों का कहना है कि शंभुलाल अच्छा आदमी था। वह अपने बच्चों से काफी प्यार करता था। वह बच्चों को कभी डांटने तक नहीं देता है। पुलिस ने बताया कि अभी उसने जलचक्की स्थित पेट्रोल पंप से 150 रुपए का पेट्रोल खरीदा था। इसमें से 100 रुपए का स्कूटी में और 50 रुपए का प्लास्टिक की बोतल में भरवाया था। पुलिस का कहना है कि वायरल हुए तीनों पत्र अभियुक्त ने वारदात के करीब 10 दिन पहले खुद ही लिखे थे। अक्टूबर 2016 में एंड्राइड मोबाइल फोन खरीदने के बाद वे गूगल इप के जरिए भाषा ट्रांसलेशन कर लिखने का प्रयास करता रहता था। पुलिस का कहना है कि दूसरी भाषाओं के समझने वाले लोगों को पढ़ाने के मकसद से उसने इसी भाषा में लिखे थे। पुलिस का कहना है कि शंभुलाल ने घटना से पहले आरटीओ ऑफिस के पास रामदेव मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर 5 दिसंबर को 5 वीडियो बनवाए थे। 6 दिसंबर को मर्डर के लाइव वीडियो के बाद पहाड़ी पर सरेंडर का एक और वीडियो बनवाया था। उसे पेश करने ले जाते वक्त राजनगर चौराहे पर भारी जाप्ता तैनात रहा। 3 दिन का रिमांड खत्म हो गया था। शंभुलाल ने हत्या करने के उद्देश्य से 2 महीने पहले ही शहर से 500 रुपए देकर धारिया बनवाया था। इसके साथ ही गेंती भी लाकर घर रख दी थी। मर्डर करने के बाद इन हथियारों को मौके पर ही छोड़कर घर गया और खून से सने कपड़े बाथरूम में छिपा दिए। इसके बाद वह 13 वर्षीय मानसिक रूप से पीड़ित बेटी को स्कूटी पर साथ लेकर डीटीओ कार्यालय के पास 4 लेन स्थित रामदेव मंदिर पर गया। यहां उसने सरेंडर करने का वीडियो बनाया। बाद में वह डिप्टी गांव स्थित मंदिर पर चला गया। यहां रात हो गई थी। मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा था, कौन हो भाई, यहां क्या कर रहे हो। इसके बाद वह बेटी को सर्दी से बचाने और रात रुकने के लिए केलवा में मामा ससुर के घर चला गया।